नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार बारह का सवाल है क्वेश्चन uh, से द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू थ्री साइन ऑफ पाए बाय टू फिफ्टी टी माइनस एक्स वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स टी इज इन सेकेंड सवाल हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव पार्टिकल वेलोसिटी क्या होएगा ना बहुत वेव वेलोसिटी क्या होएगा बहुत सिंपल सवाल है कुछ किताबों में इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व किया हुआ उतना लंबा कॉम्प्लिकेट करने की अपने को ज़रूरत है नहीं आ, सवाल पहले समझते हैं आ, अच्छा इसमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हाँ, आपको वेव्स की नॉलेज थोड़ी सी चाहिए और एस की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए बस सवाल बहुत सिंपल है आ, सवाल है कि वाई इज़ इक्ल टू थ्री साइन ऑफ पाए बाय टू और यहाँ पे लिखा है फिफ्टी टी टी माइनस एक्स ये आपको इक्वेशन दे रखी है एसएचएम की, की आपका एसएचएम है और हमें बताना है कि रेशो बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव जो है उसका रेशो क्या होगा नाउ अपने को पता है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम जो हम लिख सकते हैं वो होएगा ए ओमेगा और वेलोसिटी ऑफ वेव उसको हम लिखते हैं ओमेगा डिवाइडेड बाय के राइट सो so, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो जो अपना डिजायर्ड रेशो है वी पी डिवाइड बाय वी वेव वो आ जाएगा ये हो गया आपका ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय के ओमेगा कैंसिल हो जाएगा जो आएगा रेशो इज़ नथिंग बट ए मल्टीप्लाइड बाय के हमें बस ये पता करने की ज़रूरत है ए और के की वैल्यू क्या है तो ये तो अपना ए विच इज़ थ्री के अगर देखेंगे तो इस इक्वेशन को अगर हमने लिखा है इसको हमने लिखा साइन ऑफ इसको अगर अंदर लेके जाए ये बचेगा ट्वेंटी फाइव टी माइनस पाए बाय टू अलग ये अपना के हो जाएगा सो मल्टीप्लाइड बाय पाए बाय टू सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी थ्री बाय टू पाए वुड बी द राइट आंसर